चौकी वहाँ छोड़िए। अरे पप्पू जी अभी बोलिए बैठने के लिए, बहुत सारे बैठाइए ना पप्पू भैया। एक मिनट पहले मेरा बात सुनिए, आप लोग पीछे से सुनिए। बिहार का 11 साल का सोनू कुमार अब जाना माना चेहरा है। सोशल मीडिया पर वो खूब वायरल हो चुका है। सबको मुख्यमंत्री नीतीश से उसकी भोली डिमांड अंदर तक छू गई। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, हमको गार्जियन नहीं पढ़ना चाहते सर। एलएन कोचिंग निदेशक ब्रजेश माहेश्वरी भी उनमें से एक रहे। बच्चे की पढ़ाई को लेकर ललक, उसकी परिस्थितियों से हार न मानने का जज्बा और कुछ कर दिखाने का आत्मविश्वास उन्हें भा गया और फिर एलएन कोचिंग संस्थान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए। वादा किया कि उसके रहने खाने कपड़े सबका इंतजाम एलएन करेगा, तब तक जब तक वो प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना पूरा नहीं कर लेता। सोनू कुमार कोटा पहुंच चुका है, उसने यहाँ क्लास 6 में एडमिशन लिया है। खुश है कि अब मंजिल दूर नहीं, खूब मेहनत करेगा और जिस मुकाम को पाने की ख्वाहिश है उसे पूरा भी कर लेगा। सोनू कोटा एलएन में रहकर पढ़ाई करेगा, इसकी जानकारी संस्थान ने नहीं बल्कि खुद सोनू ने साझा की है। सोनू कुमार ने खुद वीडियो जारी कर एलएन में दाखिला लेने की पुष्टि की है। नालंदा के हरनौल प्रखंड के नीमकौल निवासी 11 साल के सोनू कुमार का नामांकन 13 जून को कोटा में हो गया है। उनके इस सफर में नालंदा से कोटा, चाचा, मामा संग कई लोग शामिल हुए। नीमकौल निवासी रणविजय यादव के बेटे सोनू कुमार ने 14 मई 2022 को कल्याण विहगा में मुख्यमंत्री के सामने सरकारी स्कूलों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। सीएम को आवाज लगाई तो वो खुद खींचे चले आए। फिर इस नन्हे बच्चे ने अपने लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की गुहार भी लगाई। सीएम के साथ सोनू का वीडियो लोगों ने बड़े चाव से देखा। इसमें यह बच्चा सीएम से कहता दिखा, हमें अच्छी पढ़ाई चाहिए। बच्चे ने अपने शराबी पिता की भी शिकायत की और कहा कि वो सारा पैसा शराब पर उड़ा देते हैं। सोनू के वायरल वीडियो का रिस्पांस पॉजिटिव मिला। स्कूलों की व्यवस्था को लेकर भी सवालों की झड़ी लग गई। मदद के लिए तेज प्रताप, पप्पू यादव से लेकर फिल्मी सितारों तक ने अप्रोच किया। इसमें सोनू सूद का नाम भी शामिल है, लेकिन इस बच्चे ने सबके सहयोग को दरकिनार कर आखिरकार राजस्थान के कोटा को चुना। चौकी वहाँ छोड़िए। अरे पप्पू जी अभी बोलिए बैठने के लिए, बहुत सारे बैठाइए ना पप्पू भैया। एक मिनट पहले मेरा बात सुनिए, आप लोग पीछे से सुनिए। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते सर। गार्जियन कैसे कराते हैं सर।